पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 जो है वो सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12th क्लास के। अब हम आगे 10th क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, वो भी सिंपलीफिकेशन का ही क्वेश्चन है कि व्हाई इफ सिंपलीफाई टेंजेंट इनवर्स दिस। तो हमने इसको माना कि दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई। अब हमें इसको टेंजेंट बनाना है, उसके लिए हमने एक्स को क्या अज्यूम किया, ए टेंजेंट थीटा। तो y is equal to tangent inverse 3a square constant हुआ, x हो गया a tangent theta minus x cube हुआ a cube tangent cube theta, नीचे a cube constant हुआ और 3a फिर constant और x square हो जाएगा a square tangent square theta। इसको थोड़ा simplify करते हैं, तो ये 3a square tangent theta माइनस ए क्यूब, 3a³ हो जाएगा ये a स्क्वायर और a क्यूब, 3a³ टेंजेंट थीटा और a क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा, नीचे a क्यूब माइनस a और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी a क्यूब टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे, a क्यूब कॉमन लेंगे आप तो ये अंदर बचेगा आपका 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब कैंसिल्स विद a क्यूब। अब यदि आपको 11th का याद हो वहां एक आइडेंटिटी एक फार्मूला है टेंजेंट 3 थीटा और वो यही है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये अंदर जो आया हमारा वो आया है टेंजेंट 3 थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल होके ये हमारा बचेगा y इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा को वापस यहां से कैलकुलेट करेंगे x मीन टर्म जो फिक्स क्या आएगा, पहले a आएगा इधर तो ये हो जाएगा x by a और फिर टेंजेंट आ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स x by a और ये 3। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 और थीटा की वैल्यू कितनी, टेंजेंट इनवर्स x by a। यहाँ से सीधा टेंजेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आप नहीं ला पाएंगे जब तक ये रहेगा, तो पहले हम ये लेके आएंगे x by a और फिर आगे होगा ये। तो ये तुम्हारा 10th क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का था, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, ये सिंपलीफाइड फॉर्म है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 के लिए टाइप है। अब आपके जो क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट कि आपको ये वैल्यूज बतानी है कितना क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 2 cos, इसको भी हम y मान लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 cos और अंदर फिर एक एंगल दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि ये कितनी लिखी हुई है, क्या लिखा है, ये कोई नंबर है कोस ऑफ दैट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, फिर ये टेंजेंट इनवर्स, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा। तो साइन इनवर्स 1/2 जो है वो होता है हमारा π/6। कैलकुलेट कर सकते हैं, हम करके आप दिखा सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 कितना मान लें हम कि लेट दिस एंगल इज इक्वल टू वाई या थीटा जो आप मानना चाहें, वाई हमने यहाँ पहले से यूज किया हुआ तो हम इसको थीटा लेते हैं, थीटा साइन को इधर ले आओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और जब हमने यहाँ थीटा ज्यूम किया तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस π/2 टू प्लस π/2, इसके बीच में लेनी है। अब ये क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है
तो ये जीरो से पाई बाई टू के बीच में आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 ही जो है वो 1/2 होता है, ये 10th में भी है 11th में। तो सबसे पहले हमने वैल्यू रखी साइन इनवर्स 1/2 की, और वो वैल्यू आई हमारी पाई बाई 6। अब आगे देखें, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 3 पाई बाई 3। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू cos पाई बाई 3 जो हमें याद होनी चाहिए, cos पाई बाई 3 इज 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2, और ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 कैंसिल्स विद 2, इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 कितना एंगल होगा, अगेन हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 उसमें ये काफी क्वेश्चन इस तरह के किए, वैल्यूज निकालने वाले डोमेन और रेंज बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो, क्योंकि टेंजेंट जो है 45 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू, तो ये जो टोटल उसने लिखा हुआ है ये कितना एंगल लिखा हुआ है, ये इसका आंसर एंगल में आना था, ये तो क्लियर था। क्यों क्लियर था? क्योंकि ये टेंजेंट इनवर्स समथिंग है, तो नेचुरली एक एंगल आंसर आना था, तो और वो आंसर आया हमारा पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर है ये 11। क्वेश्चन नंबर 12 है सी cot ऑफ टेंजेंट इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, बड़ा इजी है खैर ये तो 12th क्वेश्चन, cot ऑफ हमें वैल्यू बतानी है cot ऑफ टेंजेंट इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। तो ये अभी 2.1 एक्सरसाइज से पहले की बात, जब हमने प्रॉपर्टीज की थी तो उन प्रॉपर्टीज में आया था कि टेंजेंट इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स वो भी पाई बाई 2, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई 2, और सेकेंट इनवर्स एक्स प्लस cosecant इनवर्स एक्स पाई बाई 2, ये प्रॉपर्टी हमने की थी। तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज की है कि ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, लेकिन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा पाई बाई 2। तो ये हमारा हुआ cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 टेंथ से ही हम पढ़ते आए हैं कि cot पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 0, तो फाइनल आंसर इसका आएगा 0। यदि cot की वैल्यू कहीं बाय चांस आपको ध्यान में ना रहे तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, cot होता है cos / sin, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई sin पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 0 होता है, sin पाई बाई 2 1 होता है, 0/1 = 0, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान में ना रहे। 13th है, तेरवा क्वेश्चन, टेंजेंट ऑफ 1/2, क्वेश्चन 13, टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताने में कितनी आएगी। अब आप देखिए बाहर है टेंजेंट ऑफ समथिंग, तो इसका जो आंसर आएगा वो कोई नंबर कोई संख्या उत्तर आएगी, तो देखते इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम थोड़ा सा अंदर वाले फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं, शॉर्ट करते हैं, कैसे ही बना, लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड वाई इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, या अल्फा बीटा मान लें, इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो x को tangent थीटा और y को tangent अल्फा माने तो देखिए क्या आता है, पावर फंक्शन y becomes tangent of 1/2 sin inverse, ये हमारा हो जाएगा 2 tangent थीटा over 1 plus tangent square थीटा, और साथ में आ जाएगा cos inverse 1 minus y square means 1 minus tangent square alpha or 1 plus
टेंडेंस हियर अल्फा। अब ये जो अंदर आए हैं वो आइडेंटिटी है, फार्मूले हैं। क्या बोला, ये आपका साइन टू थीटा का फार्मूला है और ये आपका कोस टू थीटा का फार्मूला, ये भी प्लस वन में है तो वहां से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं और हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये साइन टू थीटा और ये कोस टू थीटा का फार्मूला हमने यूज किया, ये साइन टू थीटा पड़ेगा, ये कोस टू अल्फा पड़ेगा, वहां पर जो एंगल है वो अल्फा है तो ये थीटा यहाँ लिखेंगे अल्फा। अब इनवर्स फंक्शन आ गए इसमें, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, कोस इनवर्स और टैन कोस कैंसिल, इट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 1 बाय 2 और ये होगा आपका 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। अब 2 कॉमन लेंगे, टेंजेंट ऑफ 2 कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, क्या रह जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। लेकिन ना तो थीटा आपके क्वेश्चन में है ना ही अल्फा है, तो क्या करें, थीटा को वापिस आप एक्स में ले आए, अल्फा को वापिस वाई में ले आए, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा मीन्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, और प्लस अल्फा, अल्फा आएगा टेंजेंट इनवर्स वाई। और इसमें आप अभी हमने दो टेंजेंट को एक बनाने की आइडेंटिटी जो है वो की थी, वो आइडेंटिटी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, दोनों का एक बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स क्या है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल करके आंसर रह जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। तो ये फाइनल इसकी वैल्यू है, ये जो इसने दिया हुआ है y is equal to tangent of this, तो ये इसका, ये इसकी वैल्यू है, ये कोई नंबर है तो नंबर ही इसकी वैल्यू है। तो एक चौथा प्रश्न और करेंगे उसके बाद जो एक दो क्वेश्चन बचेंगे उनको फिर देखेंगे। तो 13वां क्वेश्चन है एग्जाम की, चौथा एग्जाम की चर्चा है, वैल्यू दी हुई है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, उसने लिखा वाइफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है, कि सॉल्व करके बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 14, चौदवा, तो कि यदि ये 1 के इक्वल हो तो एक्स कितना होना चाहिए। तो करते हैं सॉल्व, ऐसा करते हैं कि साइन को आप राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और फिर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू लिखें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू ये होता है पाई बाई टू, साइन नंबर जो है 1 होता है तो साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाई टू, और साइन इनवर्स 1/5 को उधर ले जाए तो इधर रह जाएगा हमारा कोस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/5, और ये जो अभी आपका आया है इसे आप क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/5 भी लिख सकते हैं। कैसे, आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई टू। अब यदि हम इस साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आए तो क्या बनेगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इधर रह जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और हमारे क्वेश्चन में जो एक्स है वो 1/5, तो बोथ साइड जो है वो कोस कैंसिल हो जाएगा और आंसर रह जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू 1/5। तो इसी के साथ आज का काम हमारा पूरा है, बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। शुक्रिया।